हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 14 जनवरी है और आज हम 14 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को 14 जनवरी की जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, और भी भारत के शहरों में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्यौहारों को आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। ये जो त्यौहार मनाया जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पूरे भारत का मैप है, और जो मकर संक्रांति है वो आपकी उड़ीसा, महाराष्ट्र रीजन, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और सबसे ज़्यादा जो बाकी के राज्य उन राज्यों में आपका जो इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको पौष जो आपका पार्वण जो मेल नाम दिया जाता है वो बंगाल क्षेत्र में इसको पौष की जो पार्वण नाम दिया जाता है। उसके अलावा पोंगल जो नाम है आपका तमिलनाडु में इसका पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जिसमें जल्लीकट्टू को भी आयोजित किया जाता है। उसके अलावा भोगली बिहू इसको असम में नाम दिया जाता है, अब भोगली बिहू असम में नाम से जाना जाता है असम में। उसके अलावा लोहड़ी जो होता है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर कश्मीर का जो रीजन है उसमें आपको इसको लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। और जो माघी है, माघी जो बोलते हैं जिसको, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में माघी के नाम से इसको मनाया जाता है। और खिचड़ी जो पर्व है इसको बिहार के कुछ हिस्से हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी यानी खचेरी भी कहा जाता है जिसको, तो ये उत्तर प्रदेश रीजन में मनाया जाता है। तो ये पूरा मैप में हमने दिखाया है कहाँ पर, ये से कर्नाटका में मकरा संक्रमणा बोलते हैं इसको, ठीक है, मकर बिलक्कू इसको केरल में कहा जाता है, और पेड्डा पोंडिया जिसको आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है, पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में है, माघ बिहू असम और नॉर्थ ईस्ट में मनाई जाती है। तो ये सारे नाम हमने इसमें दिए हैं, तो सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें सूर्य जो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आज की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 14 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं कि आज के दिन का इतिहास के पन्नों में क्या महत्व है। तो आज के ही दिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो 1761 में आज के ही दिन शुरू हुआ था, और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में मतलब युद्ध हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की थी। उसके अलावा 1969 में आज के ही दिन जो आपका मद्रास है यानी साउथ इंडिया का जो आपका एक राज्य है मद्रास, इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया था 1969 में। उसके अलावा 1974 में विश्व की पहली फुटबॉल लीग आज के दिन ही इस्टेब्लिश की गई थी। उसके अलावा यूक्रेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और अपने इसमें क्या गया था कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कम करेंगे मॉस्को में, ये आपकी जो ट्रीटी थी वो साइन की गई थी न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए। उसके अलावा 2007 में जो नेपाल है उसका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अंतरिम जो आपका संविधान है वो अप्रूव किया गया था 2007 में आज के ही दिन। तो ये कुछ न्यूज थी आपकी आज के दिन से रिलेटेड। आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है आपका, गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये आपका आयोजित किया जाता है। हम देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका आश्रम आपका जो मंदिर है आपका कपिल मुनि का, ये वहाँ पर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को मनाने के लिए 14 जनवरी 2023 को गंगा सागर मेला आयोजित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, यानी सबसे बड़ा मेला आपका कुंभ मेला है जो कि हर 12 साल बाद आता है, और उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आपकी इसकी लोकेशन देखते हैं, गंगा सागर की स्थिति क्या, तो ये भारत का मैप यहाँ पर दिख रहा है, और ये पश्चिम बंगाल के नीचे देखिए ये कोल आपका पश्चिम बंगाल है, ये कलकत्ता जो दिखाई दे रहा है रीजन, और जहाँ पर गंगा नदी आपकी सागर में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। ये जो रेड रेड में हमने बनाया ये गंगा सागर का क्षेत्र है, और ये भारत का बहुत ही मतलब पवित्र स्थल माना जाता है इसको, और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत सारे लोग इस पर जाकर के यहाँ पर स्नान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रहा क्रेकेन किस रोग का एक वेरिएंट है? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके COVID-19, इबोला, मंकी पॉक्स या फिर लंपी वायरस। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका COVID-19 यानी COVID-19 के आइए आपकी एक वेरिएंट है। तो हाल ही में अमेरिका और यूरोप के कई देशों में COVID-19 का नया वेरिएंट क्रेकेन देखने को मिला है, जो ओमिक्रोन का सब वेरिएंट है यानी ओमिक्रोन का ही एक म्यूटेंट रूप है। इसे XBB.1.5 कहा जा रहा है। इसे पहली बार पिछली साल अक्टूबर में देखा गया था, और इसका नाम पौराणिक समुद्री राक्षस के नाम पर रखा गया यानी पौराणिक समुद्री राक्षस का उसके नाम पर इसका नाम क्रेकेन रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन से हैं आपके भारत के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क चिकित्सीय सहायता देना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सहायता, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विकासशील देश को चिकित्सीय सहायता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विकासशील देशों को चिकित्सीय सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल सम्मेलन के दौरान आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सीय सहायता दी जाएगी भारत के द्वारा। इसके अलावा इन देशों के विकास और समाधान की सुविधा हेतु ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, यानी जो आपका फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर है फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर शिलोंग। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका शिलांग, यानी शिलोंग यानी जो मेघालय की राजधानी है, यहाँ पर इसका उद्घाटन मतलब ये स्थापना की जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जो है आपके राजीव चंद्रशेखर, जो यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं आपके, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर आपका शिलोंग में स्थापित किया जाएगा, और इसको STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत इस साल मार्च तक शिलोंग में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिलोंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होने से जो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसके स्टार्टअप्स और उद्यमियों की अगली पीढ़ी का ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम बनाने में प्रोत्साहन मिल सकता है, यानी वहां का जो इकोसिस्टम है ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? पहली महिला है आपकी मुख्य सचिव। ऑप्शन है आपके तमिल साई सौंदरराजन, शांति कुमारी, शांति श्री धूलिपड़ी या फिर सोमा मंडल। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी शांति कुमारी। इनको शांति कुमारी को इनका मुख्य सचिव बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी। तेलंगाना की हाई कोर्ट के आदेश के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी ए सुनीत जो आपकी शांति कुमारी हैं, इनको तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये जो 1989 बैच की IAS ऑफिसर हैं, शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, यानी फर्स्ट आपकी चीफ सेक्रेटरी होंगी। इससे पहले यहाँ पर जो काम कर रहे थे सोमेश कुमार, इनको आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया है। जो आपकी शांति कुमारी है, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से MBA किया है। इसके अलावा इन्होंने 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में भी काम किया है। इन्होंने 3 दशकों की सेवा के दौरान शांति कुमारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और वन विभागों में विभिन्न पदों पर काम ये कर चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, किसने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? स्काई का मतलब यहाँ पर SQUAY है, इसको स्के भी बोला जाता है, स्काई भी बोला जाता है। ऑप्शन आपके अनाहत सिंह, ज्वाला गुट्टा, दीपिका कुमारी या फलक मुमताज। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका फलक मुमताज। जो फलक मुमताज हैं, इनको यहाँ का जो आपका स्काई जो चैंपियनशिप है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये जो फोटो में दिख रही हैं, ये आपकी फलक मुमताज हैं और ये 11 साल की हैं। जम्मू कश्मीर की 11 साल की फलक मुमताज ने नेशनल स्काई यानी SQAY चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फलक मुमताज ने जम्मू में हुई नेशनल स्काई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वह वर्तमान में कक्षा 6 में पढ़ रही है, मतलब 6th क्लास में है। 23वीं जो SQAY चैंपियनशिप का आयोजन SQAY फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। चैंपियनशिप में पूरे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने ओवरऑल टैली मेडल में पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान आपको जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आपकी जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है, आपको ये खत्म करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड या फिर बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन 3 उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड ने इस सिस्टम को शुरू कर दी वो खत्म करने का निर्णय लिया है। हम आइए जानते हैं कि रेवेन्यू जो पुलिस सिस्टम वो क्या। तो
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। उसके अलावा जो आपके उत्तराखंड के 1800 गांव यानी 1800 गांव राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब पुलिस राज्य द्वारा संभाली जाएगी। उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है इसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। और ये क्या होता है, इसके तहत पटवारी कानून को तहसीलदार से लेकर के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। यानी जो अपना ये काम करते थे पटवारी का मतलब जो लेखपाल होते हैं वो लोग कानून को, ये लोग पुलिस का काम भी करते थे। और इनके पास मतलब हथियार की जगह इनके पास डंडा होता था, इसलिए इनको उत्तराखंड में इन्हें गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होता, क्योंकि पुलिस रूल के अकॉर्डिंग बिना मतलब आर्मी के या फिर बिना पुलिस के अलावा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है, इसलिए इनको हथियार नहीं दिया जाता। तो ये लोग डंडा रख के मतलब जो पुलिस का काम करते थे और इनके साथ साथ अपना भी काम करते थे, उन पर डबल बोझ हो जाता था। इसलिए अभी जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने उनका ये जो एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारी थी पुलिस की उसको खत्म कर दिया है, वो अपना ही काम करेंगे। और जो उनका जो काम कर रहे थे 1800 गांव में वो पुलिस जो आपकी राज्य पुलिस है वो संभालने वाली है। तो ये ओवरऑल थी आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने जातिगत सर्वे शुरू किया है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, पंजाब, बिहार या असम। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिहार। बिहार ने इसको जातिगत सर्वे भी शुरू किया है। बिहार में जाति सर्वे की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सर्वे की ये प्रक्रिया 28 फरवरी 2023 तक पूरी होनी है। इसके सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस सर्वे के दौरान संबंधित लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह के सर्वे की मांग उठने लगी है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने से जातिगत जनगणना की मांग विपक्षी दल करते आ रहे हैं। देश में अंतिम बार जो आपकी जातिगत जनगणना है वो 1931 में की गई थी। उसके बाद एससी एसटी की गणना की जाती है लेकिन अन्य जातियों की गणना नहीं की जाती है। कुछ राज्यों ने जाति आधारित जनगणना कराई थी लेकिन उसके प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसके आंकड़ों में बहुत ज़्यादा त्रुटि थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 2011 में आपकी जो जनगणना कराई थी उसमें भी जाति को मेंशन किया गया था लेकिन उसमें भी जो कमियां निकल के आई इसलिए उसको प्रकाशित नहीं किया गया। मतलब जो आपकी जनगणना को प्रकाशित किया था लेकिन जो जाति वाइज जनगणना थी उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन आपके 1 से 7 जनवरी, 11 से 17 जनवरी, 15 से 21 जनवरी या फिर 12 से 18 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर आपका 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी तक आपका नेशनल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हर साल जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाता है और इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों के बीच सड़क की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 105, आर्टिकल 106, आर्टिकल 107 या फिर आर्टिकल 108। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद जो 108 है, इसमें बताया गया है कि जॉइंट सिटिंग आप करवा सकते हो। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा जॉइंट सिटिंग हमेशा बुलाई जाती है। तो जो आपका अनुच्छेद 108 है इसमें संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया यानी प्रोविजंस ऑफ आपके जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान जो किया गया है कब किया जाता है? अगर किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है यानी आपकी जो मतलब जो किसी में मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है या फिर उसमें प्रतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है यानी राष्ट्रपति इसको कॉल कर सकता है और कोई में पावर नहीं है जो उसको कॉल करे। अभी तक संसद में केवल 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। ये हिस्ट्री है आपकी 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था। उसके अलावा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय किया गया था और अंतिम में जो आपका 2002 में आतंकवाद निवारक यानी पोटा विधेयक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपका ये जो जॉइंट सिटिंग थी वो बुलाई गई थी। तो ओवरऑल अभी तक का जो भारत का इतिहास है 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। आप ईयर और उनका नाम याद रखिए प्रधानमंत्री का।
बाकी के जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है, जैसे संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता या फिर सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 105 में बताया गया कि ये आपके जो संसद के सदस्य होते हैं उनके पास ये शक्तियां हैं, उनके पास ये अधिकार दिए गए हैं। उसके अलावा अनुच्छेद जो 106 है, इसमें सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में मतलब वर्णन किया गया है, जो उनको वेतन के जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, 106 में बताया गया है। अनुच्छेद 107 में विधेयकों को पुनर्स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध इसमें दिए गए हैं। जो विधेयक लाए जाते हैं उन पर वोटिंग करनी है और उनको पारित करना है, पास करना है, ये जो सब है आपका 107 में बताया गया। तो ये आपका जो आपके अनुच्छेद आज हमने 108 कम्प्लीट। अभी हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका लिसा मैरी प्रिस्ली का निधन हो गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है 5G उपयोग को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। उसके अलावा फ्रांस के जो कप्तान थे, फुटबॉल टीम के कप्तान हैं ह्यूगो लॉरेस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ये उत्तराखंड में आपके 30% आरक्षण दिया गया है। तो ये आज के प्रश्न थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।